नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। पिता के निधन के बाद जूस का ठेला लगाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने वाली प्रियंका की कहानी जब जिला प्रशासन ने जानी तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उसे कलेक्ट्रेट पर आयोजित कार्यक्रम में घोसी विधायक विजय राजभर, जिलाधिकारी और एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यही नहीं, इसके बाद प्रियंका के ठेले पर खुद जाकर मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा ने उसे जूसर भेंट किया। साथ ही प्रियंका के समस्याओं का निराकरण करने की बात भी कही। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। आज सीडीओ साहब दुकान पे आए थे और वो मिक्सी लेके आए थे, मतलब सामान साथ दिए हैं हमें। और जो बात बोले उसके लिए मतलब सकारे हैं कि मतलब ये हम शौचालय घर में अपनी तरफ से बनवाएंगे। और बोले कि मतलब अभी किसी को भेजेंगे वो दुकान पे, तो वो आएंगे, उसको मतलब जो भी पूछा जाएगा वो बताएंगे। वो हर आवास बोले जो भी मतलब पेपर मांगेंगे उनको देना है वो। अच्छा। और आवास मिलेगा। अभी तक कुछ मिला नहीं था? नहीं सर। बच्ची के यहाँ आए थे आप? हाँ, ये बच्ची है, कक्षा 11 में पढ़ती है और इसके फादर का देहांत हो चुका है, भाई के भी देहांत हो चुका है। इसकी 5 बहनें हैं और यही अकेले कमाने वाली है। ये कमाती है, बच्चियों का पालन पोषण करती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मुझे लगा कि ये बच्ची इस तरह का काम कर रही है, जूस बेचने का काम कर रही है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको कुछ जूसर मिक्सर दे देते हैं और इससे इसका रोजगार चलेगा। दूसरी बात यह है कि और जो भी इंटर्नशिप दे सकते हैं, आवास वगैरह, मैं अभी जांच करा के उसको प्रधानमंत्री शहरी आवास ये दिलाने का प्रयास करूंगा। और शौचालय नहीं है इसके घर में, तो शौचालय बनवाने का भी काम किया जाएगा।